अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पेंशनर्स और मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी हुकूमत ने सुना दी है। हुकूमत का मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम मजदूरों को आसान अकसात में कर्ज देने के समेत पेंशन के दायरा कार में लाने का फैसला किया है। पेंशनर्स की पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने आलमी यौम मजदूर के दिन पर बड़ी खुशखबरी सुना दी है। वजीर आजम के मुआवन खसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी और इंसानी वसायल बराए तरक्की जुल्फी बुखारी ने एक बार फिर पेंशनर्स को रकम बढ़ाने का इंदिया दे दिया है, जबकि उन्होंने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए भी ऐलान किया। जुल्फी बुखारी ने मजदूरों के आलमी दिन की मुनासबत से पैगाम जारी किया, इसमें इन्होंने पेंशनर्स को एक बार फिर पेंशन की रकम बढ़ाने की खुशखबरी सुनाई है। अपने बयान में उनका कहना था कि EOBI की रकम कम स्कीम उजरत के बराबर लेकर जाएंगे। तरीके इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो EOBI की पेंशन 5,250 रुपए थी। मामले खसूसी का कहना था कि 18 माह में EOBI की पेंशन 8,500 कर दी है। रवां साल दिसंबर में पेंशन फिर बढ़ाई जाएगी और इस पर नजरसानी की जाएगी। इनका कहना था कि आम मजदूर तबके को भी पेंशन के दायरा कार में लाएंगे। जुल्फी बुखारी ने मुल्क और बैरून मुल्क में मेहनत करने वाले मजदूरों को खराज तहसीन पेश किया और कहा, आज से मजदूरों के लिए मुल्की सतह पर मुतअद्दिद मंसूबे शुरू कर रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत ने कामयाब मजदूर प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसके तहत मजदूरों को आसान अकसात पर कर्ज देने की सहूलत दी जाएगी। यह सहूलत मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम मजदूरों के लिए होगी। जुल्फी बुखारी का मजीद कहना था कि वजारत ओवरसीज ने मजदूरों को 1,500 के करीब घर तामीर करके दिए हैं। वजारत ओवरसीज अब बैरून मुल्क से वतन वापस आने वाले लेबर्स को भी अपना कारोबार शुरू करने में मुआवनत फराहम करेगी। वाज़ह रहे कि 1 मई को पूरी दुनिया में यौम मजदूर मनाया गया था, जिसकी मुनासबत से दुनिया भर की तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने भी मजदूरों को रिलीफ देने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें।